मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स टू लर्न देर आर मेनी मोटिवेशन मेवेशनल टेक्निक स्ट्रैटीज़ टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू वर्ड्स लर्निंग एंड टीचर कैन एडॉप्ट एनी टेक्निक टू मोटिवेट स्टूडेंट्स और टू मेक दैम इंगेज इन द्लास रूम तो उसमें टीचर का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है टीचर की तरफ से जो मोटिवेशन स्टूडेंट्स को आती है लर्निंग के लिए वो उनके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंस रखती है क्योंकि टीचर एक मॉडल के तौर पर उनके सामने होता है अगर टीचर के अंदर जो है स्ट्रेंथ नहीं है तो बच्चे मोटिवेट नहीं होते ए, क्लास के लिए और टीचर की मेथडोलॉजी जो है वो स्टूडेंट्स को बेसिकली एंगेज करती है किसी भी क्लास के लर्निंग के लिए भी और माहौल के साथ भी इसमें गिव स्टूडेंट्स अ सेंस ऑफ कंट्रोल कि उनको कंट्रोल की सेंस उनके पास हो कि हम भी वैल्यूएबल हैं क्लास में हमारा भी पार्टिसिपेशन है फिर उनको बी क्लियर अबाउट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपको बड़े क्लियर होने चाहिए क्रिएट अ थ्रेट फ्री इन्वायरमेंट है प्रमोट ग्रोथ माइंडसेट ओवर फिक्स्ड माइंडसेट Uh, आपने एक ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये है कि आपने एक नए आइडिया की प्रमोशन वाला जो है अपना क्लासरूम बनाना है डेली एक नई चीज़ जो है उसको नए तरीके से चाहे लेक्चर को स्टार्ट करें चाहे बच्चों की पार्टिसिपेशन नए तरीके से करें बच्चों को जो नया पन है वो बड़ा अट्रैक्ट करता है रूटीन में आप आए हैं रोबोट की तरह चलते चलते बोर्ड पे गए टॉपिक लिखा उसके बाद आप शुरू हो गए हैं तो बच्चे जो हैं वो बहुत बोर होते हैं और वो मोटिवेशन उनकी लर्निंग के लिए नहीं आती इसलिए हमेशा जो है वो आपको फ्लैक्सीबल होना चाहिए किसी भी इन्वामेंट को प्रमोट करने के लिए बच्चों की तरफ से कोई आइडिया आता है तो आप उसको ओपन माइंडेडली एक्सेप्ट भी करें और उसको इनिशिएट भी करें डेवलप मीनिंगफुल एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप विद योर स्टूडेंट स्टूडेंट और आपका रिलेशनशिप रिस्पेक्ट का और मोहब्बत का होना चाहिए क्योंकि ये सारी ज़िंदगी टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप होता है ये सिर्फ़ एक कोर्स या एक सब्जेक्ट के लिए नहीं होता तो उसमें यह है कि आपका जो अख्लाक है आपके जो एथिक्स हैं आपके जो रूल्स हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट सिखाते हैं अगर आप बायसनेस नहीं करते फेवरेटम नहीं करते और बच्चों को भी रिस्पेक्टफुली आप कॉल करते हैं और उनको पर्सनल अटैक्स नहीं करते उनकी इंसल्ट नहीं करते तो ये चीज़ें आपको बच्चों का फेवरेट टीचर भी बनाती हैं और आपकी रिस्पेक्ट इनक्रीज़ भी करते हैं तो उसके बाद ग्रो अ कम्यूनिटी ऑफ लर्नर्स इन योर क्लास आप उनको कहें कि आप एक छोटी सी फैमिली हैं आप एक सोसाइटी का छोटा सा ग्रुप है ये क्लास नहीं है बल्कि एक फैमिली है हम सब एक फैमिली हैं और हम सब चूँकि एक फैमिली हैं तो फैमिली के हर फर्द को फैमिली की ग्रोथ के लिए काम करना चाहिए ये सेंस आपको डेवलप करनी चाहिए स्टैब्लिश हाई एक्सपेक्टेशन एंड इस्टैब्लिश क्लियर गोल्स हाई एक्सपेक्टेशन आप उनको कहें कि जो आप समझ रहे हैं कि इतना लो लेवल पर काम करेंगे तो ये नहीं इसकी एक्सपेक्टेशन मैं समझती हूँ कि हर बंदा ए ग्रेडर हो सकता है अगर वो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इतनी मेहनत करे तो ये आपको मोटिवेशन उनको देनी चाहिए फिर भी इंस्पायरेशनल यू कैन बी इंस्पायरेशन रेशनल टूवर्ड्स योर स्टूडेंट्स यूर इन फ्रंट ऑफ योर स्टूडेंट्स बाय यू नो बीइंग वेरी क्लियर और इम्प्रेसिव uh, आपकी जो अपेरेंट लुक है वो इम्प्रेसिव होनी चाहिए और आपका जो टॉकिंग स्टाइल है वो इम्प्रेसिव होना चाहिए रिस्पेक्टफुल होना चाहिए जिससे बच्चों को एहसास हो कि एक बहुत अच्छा टीचर जो है वो हमें टीच कर रहा है वो आपकी चीज़ों को बाद में इमिटेट भी करते हैं तो ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं बच्चों को क्लास के साथ जो है इंगेज करने के लिए जिनको हमें फॉलो करना चाहिए